हेलो, मैं नीता थापा, नीता गारमेंट सलून की ऑनर्स हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, स्किन एक्सपर्ट हूँ और हेयर का ट्रीटमेंट भी देती हूँ। मैं आपको आज इस विंटर सीजन में जो मेकअप्स पे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, आप डे में जो मेकअप करते हैं उसके बारे में बताइए। मैंने नॉर्मल मेकअप किया हुआ है, तो मैंने क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से आपको मेकअप करना है उसके बारे में जानकारी देती हूँ। और एक मुझे एक नए प्रोडक्ट के बारे, कैमलिन का प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, जो मैं यूज़ भी किया है। तो मैंने कैवलिन का लाइनर लगाया है, काजल, सॉरी, है ना, काजल लगाया, लाइनर तो मैंने लगाया क्योंकि मैंने ऊपर उसमें काजल को फिल कर दिया, तो कि हल्का सा वो लाइनर नहीं लगाना है, क्योंकि देखो अगर आप नीचे वोल्टर आइज कर रहे हैं तो ऊपर आपको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किस पर्पज़ से आपको मेकअप करना है इसे ध्यान रख के कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्लीन किया है अपने फेस को। क्लीन करने के बाद मैंने टोनर यूज़ किया है, टोनर मैंने इस कंपनी का, मैंने टोनर यूज़ किया है इसी कंपनी का। मैंने उसके बाद सीरम यूज़ किया, सीरम को अच्छे से आप मिक्स करेंगे, ड्रॉप डाल के पूरे उसमें ड्रॉप करके आपने मॉइस्चराइजिंग की है। आप सीरम से अच्छे से मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं, नहीं तो कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी आप लगा के मॉइस्चराइजिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कैवलिन का ही प्राइमर लगाया है अपने फेस में। प्राइमर लगाने के बाद इसको पूरे फेस में अच्छे से ब्रश से या आप फिंगर से अच्छे से फिल कर दीजिए। ये प्राइमर एक्चुअली आपके मेकअप को स्टे करने में काम आता है और जो भी पोर्स ओपन होते हैं उसको क्लोज करने के काम आता है। तो हमने प्राइमर यूज़ किया है। इसके बाद मैंने फाउंडेशन क्रीम लगाया है, जो मैक की है बीबी क्रीम, वो लगाया है थोड़ा थोड़ा लेके। उसके बाद मैंने कैवलिन का ही मैंने जो है ये पाउडर लगाया है, फीचर करेक्शंस थोड़े से दिए हैं। इसके बाद इसी कंपनी का मैंने ब्लशर यूज़ किया है, हाइलाइटिंग्स यूज़ किया है। ब्लशर मैंने बिल्कुल नॉर्मल चाहिए था, अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू कलर आप ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्लशर को इन शेड्स पे लाइट करके वो किया है। इसके बाद मैंने हाइलाइटिंग्स किए नोज़ में अपने, कुछ बोन से चिक बोन पे किए हैं। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो फिल की है, आईब्रो को करेक्ट किया है क्योंकि मेरी आईब्रो थोड़ी लाइट है, तो मैंने उसको फिल किया है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है। लिप्स पहले से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये देखिए इसकी मैंने लिपस्टिक यूज़ की है, इसमें बहुत शेड है, ये बॉडी पेंटिंग के भी काम आ सकता है। आपको मेकअप में भी अगर आपको कलर करेक्शन आता है, कलर थ्योरी आपने अच्छे जानी है, तो आपको अच्छे से आप कलर बना सकते हैं और इनसे आप लिपस्टिक मेकअप, पूरा मेकअप भी कर सकते हैं इस पैलेट से ही। तो मैंने इससे पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई है, लिपस्टिक ब्रश से मैंने हेल्प किया है। उसके बाद मैंने कैमलिन का ही जो आई शेडो है, उससे आई शेडो से मैंने थोड़ा सा अपने लिप्स में थोड़ा पाउडर टाइप का किया है ताकि वो मॉइस्चराइजिंग हो। थोड़ा मुझे जो कलर चाहिए था वो है, मैंने आई पैलेट से ही मैंने, ये है इसकी आई पैलेट्स में सारे आपको कलर मिल जाएंगे जो एक्चुअली यूज़ होते हैं। तो ये देखिए, ये पिंक बहुत सुंदर कलर है जो आपके लिप्स शेड्स को कर सकते हैं, अगर आई मेकअप करें तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस समय गोल्ड का लगाया है, वो भी हल्की क्वांटिटी से, हाथ से या फिंगर से अपने ट्रिप से वो लगा सकते हैं। देन उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया है, दैट्स इट। मैंने इतना ही मेकअप किया है। आप डेली मेकअप में मेकअप की क्वांटिटी को ध्यान में रख के कैसा मेकअप कर रहे हैं, डे मेकअप कर रहे हैं, नाइट मेकअप कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप मेकअप कर सकते हैं। और विंटर सीजन में अपना स्किन का ख्याल रख सकते हैं क्योंकि विंटर सीजन में स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, ड्राइनेस बढ़ती है, तो ड्राइनेस के लिए आप मॉइस्चराइजिंग जरूर यूज़ कीजिए। उसके बाद प्राइमर जरूर यूज़ कीजिए मेकअप के मेकअप करते समय। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड कोई भी क्वारीज है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।